हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि सर हाउ टू क्वालिफाई बीपीएससी, बीपीएससी कैसे क्वालिफाई करे, सर बीपीएससी में क्या पढ़े, कौन सी पुस्तक पढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 15 जुलाई को आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक आप बीपीएससी 69वीं यानी 69th बीपीएससी के फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट भी आ चुका है, लेकिन ये अबाउट माना जाएगा, लगभग माना जाएगा, ये फिक्स नहीं किया है। वो 30 सितंबर को बता रहा है कि बीपीएससी प्री का एग्जाम ले लिया जाएगा। अब बहुत मेरे प्यारे साथी जो पहली बार बीपीएससी का एग्जाम देंगे, उसे आइडिया नहीं होगा कि हम कौन सी पुस्तक पढ़े, कैसे बीपीएससी की तैयारी शुरू करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह बताने वाला हूं कि आप आसानी से अगर इस पर्पस से पढ़ेंगे तो आपके 2 से 3 महीने में जो एग्जाम होंगे तो आप बीपीएससी प्री के एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझते हैं कि बीपीएससी की स्ट्रेटेजी क्या है, बीपीएससी हमसे मांगता क्या है और बीपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप टेबल पर किताब का ढेर लगा लेंगे तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोग जो है ना वो आपके किताब के ढेर से क्या क्वेश्चन पूछेगी उसको आपको जज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं समझाता हूं कि देखिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना है और इस 2 महीने के अंदर में हमें कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीपीएससी प्री की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले लास्ट ईयर को जानते हैं कि बीपीएससी 68 में 2022 में जो एग्जाम लिया था, ठीक है, सॉरी 2023 में ही 68 का एग्जाम हुआ था, 2023 में हुआ था, आपको पता है। अब यहां देखिए बीपीएससी अगर प्री की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्री क्वेश्चन के सिस्टम को समझिए। प्री तो 150 क्वेश्चन पूछती है, कितने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं, 150 क्वेश्चन पूछती है। 150 में इस बार का जो कट ऑफ था, आपको मैं बता दूं, कट ऑफ था जनरल वाले का वो 92 था, ठीक है, यानी अगर आप 92 से प्लस है तो आपका प्री में सिलेक्शन है मेंस के लिए, किसके लिए, मेंस के लिए। अगर आप 92 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फीमेल के लिए 5-6 नंबर कम था, अबाउट समथिंग, लेकिन आपको जनरल और कट ऑफ के ऊपर काम करना है कि हमें जनरल में सिलेक्शन लेना है। अगर आप आरक्षित है, रिजर्वेशन है तो अच्छी बात है कि आपका और आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका 92 पे सिलेक्शन इस बार हुआ था। लेकिन इस बार जो बीपीएससी नोटिफिकेशन 69th बीपीएससी में, याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बीपीएससी नोटिफिकेशन जो जारी की है, क्या जारी की है, नोटिफिकेशन याद करके रखिएगा, तो उसमें मात्र 346 पोस्ट है। कितने पोस्ट है, पोस्ट भी बहुत कम है, 346 पोस्ट जारी की है। अब यहां लगभग 4 से 5 लाख, 3 लाख स्टूडेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और प्री में अपीयर होंगे और मेंस के लिए अप्रॉक्स अबाउट 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना नहीं चाह रहा कितना का भी सिलेक्शन हो, बस आपको कितने सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए। और आपका सिलेक्शन कैसे हो जाए, आप इस स्ट्रेटेजी को समझिए कि आपके पास अगर बीपीएससी 30 सितंबर को एग्जाम ले लेती है, क्योंकि उनका मानना है कि हम 30 सितंबर को एग्जाम ले लेंगे, तो हमारे पास आप मात्र लगभग 60 डेज है। अगर इससे ज्यादा समय मिल गया तो आपके लिए और आसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिस्टम को समझिए कि बीपीएससी लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछिए, कौन से ईयर में, लास्ट ईयर में, याद करके रखिएगा, तो लास्ट ईयर में इन्होंने हिस्ट्री से टच किया तो अप्रॉक्स मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 35 क्वेश्चन है, ठीक है, 35 प्लस। इस हिस्ट्री में याद करके रखिएगा, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, एंसाइंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री नहीं था, बिहार स्पेशल को भी मैंने ऐड कर दिया, ये 35 प्लस क्वेश्चन काउंट करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा सीए का मीन्स करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन इस बार आया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां भी 35 प्लस आपको याद रखना है कि अबाउट 40 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और 35 हिस्ट्री में। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों 70 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते। और तीसरा याद करके रखिएगा साइंस, साइंस में कितने क्वेश्चन पूछती, हर साल 30 क्वेश्चन,
यानी इस साइंस के अंदर फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री से 10, बायोलॉजी से 10। अब आप आंकड़ा उठा के देख ले तो 70 में 30 जोड़े तो 100 आपको इसी तीन सब्जेक्ट से हो जाते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर में निगेटिव मार्किंग भी था, इससे पहले जो बीपीएससी एग्जाम लेती थी तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, पहले सिस्टम को समझिए, निगेटिव मार्किंग भी था तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा कम हुआ है। लेकिन 67 में 114 नंबर तक कट ऑफ गया था जनरल का, तो उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब निगेटिव है तो 92। अब देखिए आप अगर हिस्ट्री पे अपना पकड़ बना लेते हैं या करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग हो जाता और साइंस, तो आप 100 क्वेश्चन तक कर सकते हैं आसानी से, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समस्या स्टूडेंट की है कि सर हमें पढ़ना कैसे है, कौन सी हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या बन चुकी है, क्योंकि आपके पास समय कम है, आप पहली बार एग्जाम में बैठेंगे और आपको समझने में ही 2 महीना निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब मंच के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते। देखिए अब आते हैं ज्योग्राफी, जो इनका एक और पिलर है जिसको ज्योग्राफी कहा जाता है। इनसे भी 20 प्रश्न थे मेरे प्यारे, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद आपको याद रखना है पॉलिटिकल, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में इनमें बिहार के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप बीपीएससी दे रहे तो बिहार स्पेशल के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये अप्रोक्स आपको 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, देखिए 10 से कम हो सकता है लेकिन 10-10 क्वेश्चन मान लीजिए। अब यहां देखिए इन तीनों को मिला दिया जाए तो 40 क्वेश्चन आपके 140 हो गए। मैथ प्लस रीजनिंग, ये आपका स्ट्रेटेजी है कि मैथ्स प्लस रीजनिंग, मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा कि मैथ प्लस रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 150 हो गए। मैंने डाटा आपको आसानी से समझा दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है कि देखिए अब आपके पास ये डाटा है, आपने देखा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अगर हम तैयार करते हैं तो हमें 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इन दोनों पे मेहनत करते हैं, साइंस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, तो आप 100 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप ध्यान दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को हम आसानी से पढ़े कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। चलिए मैं इसके माध्यम से आपको बात करता हूं, कितना मिनट लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आप आसानी से समझिए, क्वेश्चन के स्ट्रेटजी समझिए। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ गया होगा कि सर हम क्यों नहीं हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स को तैयार करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्टूडेंट की समस्या कि सर कौन सी हिस्ट्री पढ़े जिससे हमें क्वेश्चन आसानी से बन जाए, मैं आपको वो बताने वाला हूं। आगे देखिए, वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों याद करके रखिएगा, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। कौन से हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री, इस बार भी कम से कम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पूछा था, कितने। मिडिल हिस्ट्री जिसको हम मेडाइवल बोलते हैं, ठीक है ना, यानी आप आधुनिक भारत की बात अगर करें, कौन से भारत की, आधुनिक भारत से, तो आपको 20 क्वेश्चन, ठीक है। अगर मिडाइवल की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद करके रखिएगा लगभग 5+ क्वेश्चन था, यानी 5 से 7 के बीच में क्वेश्चन था। अब एनसाइड की बात करते हैं तो ये कल्चर हिस्ट्री में आ जाता है, ये भी 5 से 7 क्वेश्चन था। अब आपको ये एक चीज समझ में आया कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, हमें 20 मार्किंग करने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप बिल्कुल सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करता हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से मॉडर्न हिस्ट्री को आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने 2 बुक का नाम लेता हूं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, अगर स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम की बुक है, इनके अंदर टोटल पेज जो है, मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि टोटल पेज जो है इनके अंदर लगभग 700
हाँ 805 पेज की ये बुक है। देखिए ये स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत है, आप स्क्रीन पर भी फोटो इनका देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है, 68 में इस बुक से पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप 30 दिनों के अंदर इनको पढ़ सकते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और याद करके रखिएगा, आप जीके में क्राउन का जीके जरूर पढ़ें। अगर आप क्राउन को पढ़ते हैं तो आप दो एनसाइंट भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से, और मिडाइवल भी पढ़ सकते हैं, यानी क्राउन प्लस। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को 2-3 बार अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले, नहीं तो इनके कुछ मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन करके बार बार पढ़ें, और किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं डेप्थ में बनाता हूं और उस कंटेंट पे बनाता हूं जो आयोग जिस तरह प्रश्न पूछती है। यहां तक आप समझ गए। अब अगर इनके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रम पे कमांड नहीं कर पाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों क्राउन के जीके में आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कमांड कर लें, क्राउन वाले बुक में मॉडर्न हिस्ट्री कमांड कर ले, उनके बाद एनसीईआरटी नोट पढ़ ले। एनसीईआरटी नोट आता है आप लिख ले, आर्यन का 6-12 का नोट रहता है। अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं हिस्ट्री में 2 महीना के अंदर आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। पहली बात है ये समझ में आ गई कि हमें इसको दोनों को पढ़ना है। उनके अलावा प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छे एक्सपर्ट टीचर का प्रैक्टिस सेट भी कर सकते, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र बना लें। घटना चक्र देखिए, घटना चक्र बीपी 80 का अलग आती है पूर्वालोकन, ये मेरा 2020 का है, पुराना है, 2023 आ चुका होगा, आप वो लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिस्टम बाय सिस्टम दिया हुआ कि हिस्ट्री का कौन सा पढ़ना है, पॉलिटिकल का कैसे क्वेश्चन है, तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट ले लें और घटना चक्र को आप बना ले तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन किसी भी लेवल का होगा आप आसानी से ऑप्शन के जरिए क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों हिस्ट्री की समस्या आपकी खत्म हो गई। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड कर लेते हैं तो कम से कम 15+ क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। थोड़ा आपको पढ़ना है एनसाइंट, थोड़ा मॉडर्न, अगर आप 20+ क्वेश्चन यहां से कमांड करके याद करके रखिएगा, 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा 35 क्वेश्चन, लेकिन आपको 20+ रखना है, यानी 25-30 के अंदर हिस्ट्री में कम से कम आपको 20+ क्वेश्चन रखने हैं, तो हिस्ट्री की समस्या खत्म होगी। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों साइंस। अगर हम साइंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो साइंस हमारे पास 3 है, क्या है, फिजिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री है और बायो। इनमें तीनों में 10 ही 10 प्रश्न है, कितने कितने प्रश्न है, 10-10 प्रश्न है। अब है कौन सी बुक पर है, तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर क्राउन का साइंस आप पढ़ लेते हैं, साइंस को बार बार अगर पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी के आधार पर क्राउन को लिखा गया। इनके अलावा एक बार आप एनसीईआरटी नोट्स भी इनका पढ़, एनसीईआरटी जो नोट्स की बात मैं बार बार कर रहा हूं, ये आर्यन का नोट से आप इनको पढ़ ले। अगर ये दोनों बुक का प्रिपरेशन आप साइंस के लिए कर लेते हैं तो आप, और उसके अलावा भी अगर आपको करना है तो आप प्रैक्टिस सेट कर ले घटना चक्र का, साइंस का, तो कम से कम एटलीस्ट मेरे प्यारे दोस्तों आप 25+ क्वेश्चन साइंस में भी आसानी से कर सकते हैं। अब समस्या है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, आप स्क्रीनशॉट पे फोटो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप ज्यादा मैगजीन नहीं पढ़ें, ज्यादा एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ें, क्योंकि ज्यादा बुक के चक्कर में आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो स्पीडी को पढ़ें, इसको पढ़ें। अगर आप स्पीडी पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। स्पीडी के साथ ईयरली याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ईयरली प्रतियोगिता दर्पण पढ़े, क्या पढ़े, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। इनके अलावा भी अगर आपके पास समय है तो एडुटेरिया के कुछ सेट बना ले, एडुटेरिया और स्पीडी में कंसेप्ट इजी है, वन लाइनर क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण से डिटेल्स में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से, अगर इन तीनों बुक पे आप कमांड कर लेते हैं तो आपके 30+ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बन जाएंगे।
अब आप काउंट कीजिए नंबर 30-25 आपके कितने हो गए, 55 नंबर हो गए। यहां अगर आप 25 सही करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप आसानी से 80 तक इन सब्जेक्ट से पहुंच गए। अगर आप 80 भी नहीं पहुंचे, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट पे कमांड करके 70 तक भी चले जाते तो आपको 20 नंबर और करने। सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर करने हैं? 30 नंबर करने। आते हैं हम जीओ पे, यानी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ज्योग्राफी से 20+ क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपके पास समय कम है तो क्राउन का ज्योग्राफी पढ़ ले और इनके अलावा एनसीईआरटी नोट पढ़ ले, क्योंकि आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपके पास समय नहीं है। और समय है अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते तो एनसीईआरटी बुक आती है 6-12 वो पढ़ सकते हैं आप। उनके अलावा माजिद हुसैन की बुक है वो पढ़ सकते हैं, जिसका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर आप ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल के लिए मैं कहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि क्राउन प्लस एनसीईआरटी नोट कर ले और वही पूर्वालोकन का प्रैक्टिस सेट बना ले। इकोनॉमिक्स के लिए भी मेरे प्यारे साथियों याद करके रखिएगा, इकोनॉमिक्स के लिए भी आप क्राउन से अगर पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी नोट को कर लेते हैं और प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं तो आप अगर यहां 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा तो 5-5 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी बना लिए तो कम से कम आपको 15-10-25 क्वेश्चन यहां भी बन जाएगा। मैथ प्लस रीजनिंग आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप आसानी से इन्हें कवर कर सकते हैं। अब समस्या आई कि सर बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़े? बिल्कुल बिहार स्पेशल, बिहार का एक करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं सामान्य ज्ञान का, 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसलिए बिहार के मैगजीन भी हमें पढ़नी चाहिए। बिहार के अलावा याद रखेगा बिहार के स्पेशल बुक के लिए आप इम्तियाज की 2 बुक ले लें, एक सब्जेक्टिव क्योंकि कल मेंस में भी आपको काम आएगा, सब्जेक्टिव वाली बुक को आपके पास समय है तो पढ़ ले और इनका ऑब्जेक्टिव बना ले। उसके बाद आप परीक्षा में बैठे, अगर ये आप 60-90 दिन में कर सकते तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस आपके माइंड में ये सेट होनी चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा मेहनत 3 सब्जेक्ट पे करने हैं, वो है मेरा हिस्ट्री, उनके अलावा साइंस और करंट अफेयर्स, चौथा पिलर आपका ज्योग्राफी होगा और उनके बाद आप पॉलिटिकल और उसके बाद इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस और करंट अफेयर्स को तैयार कर लेते हैं इस 3 महीने के अंदर में तो आपका गारंटी है प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट की यही समस्या है कि वो समझ नहीं पाते कि हमें कौन सी बुक पढ़ने, आप ज्यादा बुक अपने टेबल पे ढेर नहीं लगाए, नहीं तो किताबें पड़ी रह जाएगी और एग्जाम का डेट आगे निकल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट में इजी कॉन्सेप्ट में समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी मिलेगा तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।